तो दोस्तों आज की इस वीडियो की टाइटल है 5 कार्स विद मोस्ट सेटिस्फाइड कस्टमर्स इन इंडिया। 5 ऐसी गाड़ियां जो लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उनका क्रेज़ मार्केट में कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं 5th पोजिशन से, जिसमें टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा। ये गाड़ी हमारी देश में ज़्यादातर नेता लोग इस्तेमाल करते हैं। टोयोटा की रिलायबिलिटी और इनोवा की कंफर्ट के लिए ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। ये गाड़ी एक ही इंजन ऑप्शन के साथ आती है, 2.4 लीटर डीजल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 150 पीएस एंड 343 एनएम ऑफ टॉर्क का। इस गाड़ी में 7 सीटर एंड 8 सीटर दोनों सीटिंग ऑप्शन ही दिया गया है। फीचर्स के मामले में इंटीरियर में 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम में टच स्क्रीन, वो भी एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, 8 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विथ रियर इवेंट्स एंड एम्बियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स में 7 एयरबैग्स, ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिला करता है। बात करें प्राइजेस की, एक शोरूम लगभग 20 लाख रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरियंट 25,43,000 रुपये तक का मिलता है। फोर्थ पर है वापस से टोयोटा की गाड़ी, या फिर कह सकते हो टोयोटा की शान फॉर्चूनर। ये गाड़ी की क्रेज पब्लिक में किस लेवल तक है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर दबंग या फिर पॉलिटिशियन की फर्स्ट चॉइस रहा है फॉर्चूनर। टोयोटा फॉर्चूनर में 2 तरह की इंजन ऑप्शन दिया गया है। पहला 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 166 पीएस और 245 एनएम ऑफ टॉर्क का, और दूसरा है 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन, जो पावर जनरेट करता है 204 पीएस और 500 एनएम ऑफ टॉर्क का। पहले वाला इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आया करती थी, बाद में 6 स्पीड का भी ऑप्शन दिया गया है। डीजल यूनिट 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ आती है और इसमें 4 व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन दिया गया है। लेजेंडर, जो कि इसका टॉप वेरिएंट है, वो भी सेम इंजन ऑप्शन के साथ मिलता है। ये एक 7 सीटर प्रॉपर एसयूवी है और इसके लुक के पीछे हर कोई पागल है। बात करें फीचर्स की, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम में इसके टॉप वेरिएंट में 9 इंच का टच स्क्रीन और बाकी वेरिएंट में 8 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है, वो भी एप्पल कारप्ले और कनेक्टेड कार फीचर के साथ। 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन चार्जिंग, किक टू ओपन पावर टेलगेट और एम्बियंट लाइटिंग जैसे फीचर्स इसमें दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स में 7 एयरबैग्स, ABS, EVD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स दिया गया है। बात करें प्राइजेस की, तो 32,59,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 50,34,000 रुपये तक जाती है इसका एक शोरूम प्राइस। थर्ड पर है होंडा सिटी। पिछले 25 साल से आज तक लोगों का पसंदीदा गाड़ी रहा है सिटी। एक तरफ जहां सीडान का मार्केट खत्म हो चुका है, फिर भी इसकी सेल्स पे कुछ असर नहीं पड़ा। इंडियन मार्केट में सिटी का 5th जनरेशन लॉन्च हुआ है कुछ ही टाइम पहले और लोग भी इसे काफ़ी पसंद करने लगे हैं। इसमें आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है, 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्टेप CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जो पावर जनरेट करता है 121 पीएस और 145 एनएम ऑफ टॉर्क का। इस गाड़ी में मैनुअल में 17.8 kmpl का और CVT में 18.4 kmpl का माइलेज क्लेम किया गया है। फीचर्स में 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में, वो भी एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, वायरलेस फोन चार्जिंग, एम्बियंट लाइटिंग, लेदर अपहोल्स्ट्री, क्रूज कंट्रोल और सिंगल पैन सनरूफ जैसे फीचर्स मिला करता है। और सेफ्टी फीचर्स में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एडर्स जैसे फीचर्स इसमें मिला करता है, ऑटो हाई बीम असिस्ट, लेन कीप असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिला करता है। अब बारी आती है प्राइजिंग की, तो 11,49,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 15,97,000 रुपये तक का मिलता है एक शोरूम। सेकंड पर है मारुति डिजायर, जो कि एक सेडान होने के बाद भी टॉप सेलिंग कार्स में इसका नाम हमेशा से रहा है। ये गाड़ी पर्सनल और कमर्शियल दोनों पर्पज़ के लिए ही पसंद किया जाता है। इसमें 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन दिया गया है, 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT के साथ, जो पावर जनरेट करता है 90 पीएस और 113 एनएम ऑफ टॉर्क का। डिजायर में आपको CNG का भी ऑप्शन मिला करता है सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो पावर जनरेट करता है 77 पीएस और 98.5 एनएम ऑफ टॉर्क का। CNG ज़्यादातर लोग टैक्सी वगैरह के लिए ही परचेस किया करता है। अब बारी आती है फ्यूल एफिशिएंसी की।
1.2 लीटर मैनुअल में 22.41 kmpl का और ऑटोमेटिक में 22.61 kmpl का माइलेज क्लेम किया गया है, और सीएनजी में 31.12 किमी पर किलोग्राम का माइलेज क्लेम किया गया है। फीचर्स में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन दिया गया है इंफोटेनमेंट सिस्टम में, वो भी एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक एलईडी हेडलाइट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक एसी विद रियर इवेंट्स जैसे फीचर्स दिया गया है। सेफ्टी फीचर्स में डुअल एयरबैग्स, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हील होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स दिया गया है। अब बारी आती है प्राइसिंग की, तो लगभग 6,45,000 रुपये से शुरू होकर 9,32,000 रुपये तक मिलता है इसका एक शोरूम प्राइस। और फर्स्ट पोजीशन पर है मारुति ऑल्टो, जो कि एक मोस्ट अफोर्डेबल एंड बेसिक कार माना जाता है। हाल ही में ऑल्टो 800 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से, प्रोडक्शन इसका बंद कर दिया गया, पर स्टॉकयार्ड में जितनी भी गाड़ी थी उनकी सेल्स अभी भी जारी है। इसमें 800 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया गया था 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो पावर प्रोड्यूस करता था 48 PS और 69 NM ऑफ टॉर्क का। इसमें 22.05 kmpl का और सीएनजी में 31.59 किमी पर केजी का माइलेज क्लेम किया गया था। इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में टच स्क्रीन, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के साथ फ्रंट पावर विंडोज जैसे बेसिक फीचर्स दिया गया था, और सेफ्टी फीचर्स में डुअल एयरबैग्स, ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स दिया गया था। और अब बात करते हैं प्राइसिंग की, तो लगभग 3,54,000 रुपये से शुरू होकर इसका टॉप वेरिएंट 5,13,000 रुपये तक का मिलता है एक शोरूम। तो ये था वो 5 गाड़ियाँ जिन्हें लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको लेकर सेटिस्फाइड भी है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।